इवन तो हम आ गए हैं फिर से, और हम इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारा बीच में सेमेस्टर वाइज का जो एग्जाम होता है वो चल रहा था, और हम आज ये बताने वाले हैं कि जो डीएसयू में सेमेस्टर एग्जाम होता है वो कैसे होता है, क्या उसमें सेंटर कहीं और जाता है, उसमें कैसे पेपर बनते हैं, जो भी पेपर हो क्या उसमें आप चीट वगैरह या फिर नकल कर सकते हैं, क्या पेपर लीक होता है, ये सब हम बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो जितना हो सकेगा उतना हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और हम बता दें आपको कि हमारा जो एग्जाम था सेमेस्टर वाइज का वो खत्म हो चुका है अब, और हम लोगों की छुट्टी भी हो चुकी है लगभग 20 दिन की। हालांकि अभी क्लियरली नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से जो आता है वो नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 20 दिन की छुट्टी होगी। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में जो ये गलतियां थी कि एग्जाम रेगुलरली में था, ऐसा नहीं था कि गैप था, जैसे आज हुआ कल हुआ नेक्स्ट डे, ऐसे था, ऐसा नहीं था कि एक पेपर हो गया फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद पेपर हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था हम लोगों के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग ड्राइव जैसे दूरी पर रह रहा है जिसको 1-2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं आने जाने में, अब वो शाम को 5 बज जाएगा। कभी कभी ऐसा कुछ दिन ऐसा हुआ है कि कभी कभी दो दो एग्जाम हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी वो हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोगों ने कुछ मतलब इसके थ्रू रिपोर्ट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह भी दिया था बट कुछ हुआ नहीं, हालांकि जो यूनिवर्सिटी कहेगी वहीं होगा, हम लोग कुछ करें। फिर उसके बाद बात करें इसमें पेपर क्या आते हैं, कैसे बनते हैं पेपर, जो सेमेस्टर वाइज का पेपर होता है आपका, जैसे सभी कैंपस जो भी हैं जैसे जितनी भी अफिलेटेड हैं उन सबका जो जो टीचर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे वो अपना क्वेश्चन कुछ मतलब देंगे, भेजेंगे यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी उसमें से कुछ कॉमन ऐसा होगा जो देगी। ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी का मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा और अलग अलग मतलब क्वेश्चन, कोई का लो कोई का ज़्यादा, हर यूनिवर्सिटी जैसे जिससे भी अफिलेटेड है सबका सेम रहेगा, हालांकि जो मेन कैंपस है उसका भी सेम ही रहेगा, एक ही पेपर सब जगह रिलीज होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर उस पेपर को बनाते हैं, वो सब टीचर सब जितने भी अफिलेटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं, जैसे डीएसयू का जो मेन कैंपस है द्वारका है, तो द्वारका के भी जैसे एआईटी हुआ और जो भी हैं अगल बगल के वो सब पूरे मिलकर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर से संपर्क बना लिए तो आपका पेपर मतलब मिल जाएगा, ऐसा होगा। हाँ हालांकि एक पेपर हम लोगों में लीक हुआ था, अब कैसे लीक हुआ ये हम अगले वीडियो में बता देंगे कैसे, ये थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है इसके बारे में और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और एग्जाम में बात करें सेंटर की कि सेंटर क्या जाता है कहीं, या फिर आपका जहाँ क्लास चलता है वहीं पे होता है, तो सेंटर कहीं जाता नहीं है, सेंटर जहाँ पे आपका क्लास चलता है वहीं पे रहता है सेंटर, और जिस क्लासरूम में आप बैठते हैं उसी में होता है। बस ये है कि जो ABCD जो भी आपका सेक्शन होगा वो सब आपस में इधर उधर होते रहेंगे, हालांकि आप ये देख ही सकते हैं जो द्वारका के कैंपस को छोड़कर और जो भी कैंपस हैं वो सब मैक्सिमम एक तरह से स्कूलों जैसा है, ऐसा नहीं है कि सब बड़े बड़े कैंपसेज हैं आप बहुत सारा एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 रूम 5 रूम, जैसे हमारे फ्रेंड्स में जैसे AIT में है वो, तो उसके में हम गए थे एक दिन, तो उसमें मैक्सिमम 8-10 रूम थे और बहुत कम ही में था वो, और उसमें भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी थे। हाँ हालांकि BCA के लिए कुछ अलग डिपार्टमेंट बना है लेकिन वो बहुत काफी छोटा था, एक तरह से स्कूल वाइज लग रहा था। हाँ हालांकि उसमें जो भी कंडीशन है वो अच्छी खासी थी, AC थी, और आपका जो जो बैठने वाला होता है वो था जैसे स्टेयरिंग चेयर जो होता है वो रहता है, और उसमें स्मार्ट बोर्ड वगैरह हर चीज, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं रहता है, जैसे आपका जो ये बोल सकते हैं आप व्हाइट बोर्ड और चॉक बोर्ड दोनों रहता है और छोटा छोटा रहता है, हालांकि मैक्सिमम टीचर जो है वो यूज नहीं करते हैं, हालांकि कुछ मैथ के टीचर ऐसे हैं जो आपका मतलब चेयर का यूज, अरे जैसे आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे ही नहीं, ऐसे ही पढ़ा देते हैं लोग, सिलेबस क्लियर करा देते हैं। और हमारे DSU में ये गलत बात थी कि जो हमारे DSU में 6 महीने की कोर्स थी वो मात्र 1.5 महीने में कंप्लीट कराई गई है, तो इससे आपको मतलब जो भी आप समझें, अब इसके आगे हम क्या बताएं आपको। और इसमें बात करें कि पेपर का रिजल्ट लोग बोलते हैं कि 1-2 महीने में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लग जाता है 4 महीने 5 महीने, और ऐसा नहीं है कि एक बार जो रिलीज हुआ आपका मतलब नंबर वहीं रहेगा, वो बदलता रहता है हमेशा हमेशा। क्या मतलब हम लोग का पहला जो आया था एग्जाम सेमेस्टर का रिजल्ट वो आया, फिर उसके बाद यात्री से हट गया, फिर सेकेंड वाला मतलब कुछ लड़कों का ऐसा था कि जो 70% पाए थे 70% उनका चला गया, 75% पाए थे वो 70% हो गया, जो 65% पाए थे वो 68 हो गया, ऐसे कुछ हुआ है कुछ लोगों का, नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों का।
ये थोड़ी सी अलग बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि और कहीं तो ऐसा नहीं होता था, अब नहीं पता इन लोग की ERP सिस्टम गलत है या फिर जो भी गलत होंगी। और इसमें हम क्या बात करें, और एग्जाम, एग्जाम का ये होता है शेड्यूल, टाइम शेड्यूल यही होता है और सब सेम जगह होता है कि 8 बजे से आपका एग्जाम होगा, और 8 बजे सॉरी 8 बजे कर रहे हैं, 10 से एग्जाम होगा, 10 से 12 होगा, 2 घंटे का होता है अगर, और उसके बाद 2 घंटे गैप रहेगा, 2 घंटे गैप रहेगा, 2 से फिर उसके बाद 4 होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मतलब जहां भी आपका कैंपस या फिर जो भी मिले आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी के आसपास आपका रूम हो, ताकि आपका समय बचे और आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी और रूम पे बैठ कर पढ़ सकें। क्योंकि मैक्सिमम आप जो द्वारका को छोड़कर और सभी जो भी अफिलेटेड कॉलेज हैं, उसमें जो आपका लाइब्रेरी की सिस्टम है वो सब बहुत बेकार है। आप ऐसा नहीं है कि आप रात दिन वहाँ पे बैठ कर पढ़ सकते हैं या फिर कैंपस के बाहर बैठ कर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका क्लास खत्म हुआ, आपको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ देर बाद गेट बंद हो जाती है, आपको नहीं वहाँ पे रहने दिया जाएगा। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, आप आपका मन कर रहा है क्लास करिए, क्लास नहीं करना है तो लाइब्रेरी में जाकर 24x7 ऐसा है कि आप जब चाहे तब जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब आपका क्लास, ऐसा भी है कि आपका जब क्लास, अगर मान लीजिए हम लोगों का क्लास 8:30 पे स्टार्ट हो जाता था, तो ये लोग क्या करते थे कि 8 बजे गेट खोलते थे, उससे पहले हम लोग अगर आ जाएं तो हम लोग गेट के बाहर ही खड़ा रहेंगे, ना कि बैठने की जगह ना कुछ, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आप लोग ये सब देखते हुए, आप एडमिशन अगर ले रहे हैं या फिर सोचे हैं, तो ये सब देखते हुए आप एडमिशन को सोचिए। हाँ, हालांकि एडमिशन का प्रोसेस, फॉर्म फिल वगैरह जो भी है, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है या फिर कुछ पूछना है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो लाने का या फिर हम कमेंट्स में रिप्लाई देने का। पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छी दिशा में जाएं और अपने जीवन को सुमंगल बनाएं। क्या होता है, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से हम अब पार्ट वाइज और रेगुलरली वीडियो हम डालेंगे, क्योंकि हमारा कम से कम 15-20 दिन का छुट्टी भी है। अगर छुट्टी नहीं भी रहेगा तब भी हम समय निकाल कर वीडियो डालेंगे, क्योंकि अब क्लास ही चलने वाला है, एग्जाम होने वाला नहीं है, तो एग्जाम की वजह से मैंने ये सब बंद कर दिया था, क्योंकि भाई कहाँ से पूछ देंगे क्या करेंगे ये सब पता नहीं था कुछ। और जो पेपर जैसा गया है लगभग ठीक ही गया, अब देखो रिजल्ट में क्या आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।